सत्यनारायण भगवान का व्रत है, उसके लिए पंजीरी बुन रही हूँ मैं ये। राधे राधे सभी को। आज मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं वह दिखाती हूँ, और आज मेरा सत्यनारायण का व्रत है। अब आगे देखिए मैं कैसे कैसे भगवान की पूजा करती हूँ। विष्णु भगवान की तस्वीर लगा दी है, नारियल रख दिए, और ये मैंने प्रसाद तैयार कर लिया भगवान। ये सबसे पहले मैं स्नान करा रही हूँ, फिर तिलक लगा रहे भगवान जी का। चढ़ा दी है, और नदी की वहाँ चढ़ा देते हैं, लक्ष्मी माता को बिना फूलों को कहीं चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं। अब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही हूँ। यह सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय में निषेध तीर्थ संतादिक 88,000 ऋषियों के श्री विष्णु जी बोले, हे प्रभु, इस युग को कलयुग में वेद पुराण सहित मनुष्य को प्रभु रहित भक्ति किस प्रकार मिलेगी, इसके उदार बताइए। इसलिए मुनि मुझे ऐसा कोई उपाय या तक बताइए जिससे मैं मुझे थोड़ा सा अभी पुण्य प्राप्त हो गए और मेरे मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने पर हमारी इच्छा और सर्वशास्त्र और श्री सूत जी बोले कि वैष्णवों को वैष्णवों में पूजने हैं। अब बात की है तो मैं आपको एक श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों से कहूंगा। उस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था, और लक्ष्मी पति ने उन्हें श्रेष्ठ नारद जी से कहा, सो सुनो, एक समय में योगी राज नारद जी दूसरों के हित के लिए नित्य इच्छा हेतु अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। अनेक लोग अनेक योनियों में जन्मे हुए राम मनुष्यों को और अपने कर्मों के अनेक दुखों को दूर कर पीड़ित देख कर सोचा कि किस यत्न से करने से क्या इन प्राणियों के दुखों का नाश हो, और उनके मन में विष्णु चार उदारी वाले देवों में इस नारायण को देखकर उनके हाथों में शंख चक्र गदा पदम और वरमाला पहने हुए स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपकी नहीं है नहीं पा सकते, यदि आप वाले हो आपको नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दूसरा अध्याय से हो गया। का क्या कहता हूँ ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुख को दूर करने के लिए बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास आकर आदर से पूछे, हे विपुल, इतने दुखी क्यों हो, पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं। मेरे 4-5 अध्याय पूरे हो गए। सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन का तरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे, नारद करत निरंजन घंटा दोग निवारे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट बहे कलिकार दीजे दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन ले। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सबकी सुखना उसी के बारे में जल दे देती हूँ। आ जाओ।
भाई।